और काफी ये जो है लाइट वेट इसका परफ्यूम आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहूं तो मस्क जो निकला सबसे पहले इसे मुस्क के नाम से जाना जाता था। मृग की जो नाभि से निकाले जाने वाला एक छोटा सा पदार्थ होता था। ये चीजें जो मुस्क जो पदार्थ मैं बता रहा हूँ 100 से 150 ग्राम के बीच में जिसका जो वजन होता है उसे निकालने के लिए भाई एक हिरण को अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है। पदार्थ निकलता है उसे अभी के टाइम पे यहाँ निकालना बैन है और बाकी जगहों का पता नहीं कि इसमें। तो ये हमारा फ्रेग्रेंस निश्चिंत रहिए, ये आर्टिफिशियल है। सो फ्रेंड्स, जो हमारे परफ्यूम के लिस्ट है उसमें एक से बढ़ के अनेक परफ्यूम होते जा रहे हैं और इसी के साथ अभी तक का हमारा ये जो फाइनल प्रोडक्ट जो कि हुआ है लिस्ट में वो है 40+ फ्रेग्रेंस कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से काफ़ी सारे अलग अलग यूनिक फ्रेग्रेंस आपको देखने को मिलेंगे। उसी के साथ काफ़ी अलग अलग टाइप के जो बेस नोट्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे और जो है इसी के साथ कुछ यूनिक फ्रेग्रेंस भी टाइम टू टाइम हम लोग जो है एज अ रिव्यू करते जा रहे हैं। तो अगर वो वीडियोस आप नहीं देख पा रहे हैं तो वीडियो ज़रूर देखिए। और आज की इस वीडियो में हम करते हैं मस्क। मस्क हमारे लिस्ट में सबसे पहला ये फ्रेग्रेंस था बट जो है हम लोग जो है इसका रिव्यू नहीं कर पाए थे। तो आज किस बात की देरी, आज हम जो है कर लेते हैं मस्क की रिव्यू। कुछ इस तरीके से ये फ्रेग्रेंस आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी लोगों की पसंदीदा ये फ्रेग्रेंस होती है अगरबत्ती परफ्यूम एज अ कस्तूरी मैं कहना चाहूँ तो इसी के बारे में बात करेंगे और एक यूनिक फ्रेग्रेंस जो कि सबको पसंद होती है तो इसकी क्वालिटी किस तरीके से आपको देखने को मिलेगी और इसका जो है फ्रेग्रेंस किस तरीके से आएगा, जो नोट्स हैं वो किस तरीके से आपको देखने को मिलेंगी, ये सारी बातें जो है हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं इसका रिव्यू और इसके साथ साथ कर लेते हैं इसे ओपन। तो ये कैप हो गया, इसके साथ एक छोटा कैप जो है वो भी हम लोग खोल लेते हैं। तो ये भाई हो गया ओपन और फ्रेग्रेंस मतलब ये जो जगह मैं बैठा हुआ हूँ यहीं पे इसकी स्मेल आनी स्टार्ट हो गई है, काफ़ी लुभावनी और सुगंधित शुद्ध हिंदी में। तो सबसे पहले हम जिस तरीके से चीज़ें करते हैं कुछ बीकर लेके हम जो है इसे तो ये पूरी तरीके से क्लीन हो गई, थोड़ा और बाकी रह गया है, पूरा ही क्लीन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि क्या है जब किसी भी फ्रेग्रेंस के कुछ चीज़ें छूटती हैं तो फिर वो फ्रेग्रेंस को फिर वो क्या है चेंजेस जो है कर सकता है, इसलिए पूरा क्लीन होनी चाहिए और किसी भी तरीके का कोई भी स्मेल नहीं आना चाहिए। ये चीज़ें आप ध्यान रखें, कभी भी आप इस तरीके के टेस्टिंग वगैरह जो भी आप करते हैं तो इसका ध्यान आप ज़रूर रखें। तो ये हो गया, जल्दी से हम करते हैं अपना काम की शुरुआत। तो यहाँ से ले लेते हैं हम फ्रेग्रेंस और कुछ ही स्टिक्स में हम जो है इसे ट्राई ज़रूर करेंगे। तो ये कुछ गाढ़े फॉर्म में आपको एज अ येलो कलर में येलो जो है इसके लिक्विड्स आपको देखने को मिलेंगी और काफ़ी जो है लाइट वेट इसका परफ्यूम आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रेग्रेंस तो काफ़ी अच्छा आ रहा है और मस्क मींस आप समझ सकते हैं कस्तूरी। इसके कुछ मैं चीज़ों के बारे में बताना चाहूँ तो बेस जो है मस्क का नाम आया कस्तूरी जिसे हम बोलते हैं हिरण। हिरण की जो है एक छोटा सा मैं इसके बेस की रियलिटी में आपको बताना चाहूँ तो मस्क जो निकला सबसे पहले इसे मुस्क के नाम से जाना जाता था जो कि हमारी जो हिरण होती थी मृग की जो नाभि से निकाले जाने वाला एक छोटा सा पदार्थ होता था उसके पेट के नीचे। अगर आप इसे गूगल करना चाहें तो करके देख सकते। ये चीज़ें जो मुस्क जो पदार्थ मैं बता रहा हूँ 100 से 150 ग्राम के बीच में जिसका जो वजन होता है उसे निकालने के लिए भाई एक हिरण को अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है। कारण क्या है कि उसके जो शरीर का जो मुस्क होता है जिसे हम फ्रेग्रेंस के लिए लोग निकालते थे पहले की बात है,
वो निकालना उसके शरीर के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, और जिसके वजह से उनको उनके मृग की जो 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 मुस्क होते हैं, जो पदार्थ निकलता है, उसे अभी के टाइम पे यहाँ निकालना बैन है। और बाकी जगहों का पता नहीं कि वहाँ क्या चीज़ें होती हैं, बट अभी जो हमारा फ्रैग्रेंस है, ये भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या कुछ उसी तरीके से ये भी बनाई जाती है। नहीं, उसका जो है यूज़ ज़्यादातर लोग अपनी शौकीन चीज़ों को पूरा करने के लिए करते थे। वो जो पदार्थ निकलता था उनसे वो जो है अतर हो गया, या फिर फाइन फ्रैग्रेंस हो गया, या फिर और भी जो सोनो शौकत होती थी राजाओं की, उन सारी चीज़ों पे इस्तेमाल किया जाता था। अभी जो हमारा ये फ्रैग्रेंस है, ये बेसिकली जो है आर्टिफिशियल है। उस टाइम के फॉर्म को जो है कन्वर्ट करके आर्टिफिशियल इसे बनाया गया है, चाहे आप केमिकल से लेके चलो या फिर जो भी परफ्यूम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो। खैर, ये टॉपिक को रखते यहीं पे, इसके पूरे डिटेल्स आपको एज अ गूगल में सर्च करने पर मिल जाएंगी। हम बात करते हैं आगे हमारे फ्रैग्रेंस में। तो ये हमारा फ्रैग्रेंस, निश्चिंत रहिए, ये आर्टिफिशियल है। हम ऐसे किसी भी तरीके के हिरण का शोषण करके ऐसे फ्रैग्रेंस में काम नहीं करते। तो हम चलते हैं हमारे फ्रैग्रेंस की तरफ। तो ये निकल गया हमारा, और यहाँ से हम ले लेते हैं कुछ स्टिक्स। और यहीं से थोड़ा सा इस फ्रैग्रेंस का जो है एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले भाई, जो मस्क होता है वो आप देखे होंगे, दो टाइप के मस्क के नोट आपको देखने को मिलेंगी। एक थोड़ा सा स्वीट फॉर्म में होता है, और एक मस्क कस्तूरी आपको देखने को मिलेगी, थोड़ी सी डार्क होती हैं, थोड़ी सी तीखी होती हैं। तो हमारी जो मस्क है, ये फ्रैग्रेंस है, वो किस कैटेगरी में आएगा? तो ये हमारा मस्क होगा थोड़ा सा स्वीट नोट में, एज अ तीखा फॉर्म इस मस्क में नहीं है। एक शार्क फ्रैग्रेंस होता है, मतलब इतना फाइन फ्रेशनेस की फीलिंग आपको देखने को मिलेगी, थोड़ा सा स्वीट नोट आएगा, थोड़ी सी मीठी रहेगी इसकी फ्रैग्रेंस। और इसी के साथ आपको इसमें एज अ वुडी बेस थोड़ा सा फ्रैग्रेंस जो है देखने को मिलेगी। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा आएगा, और इसके फ्रैग्रेंस जो है लाइट वेट रहेंगे, मतलब एज अ बूस्टिंग। जब ये फ्रैग्रेंस आप इसे डीपी के साथ अगरबत्ती में डीप करेंगे तो बहुत अच्छा खुल के ये परफॉर्मेंस देगी, जो कि लॉन्ग टाइम तक आपके स्टिक्स में रहेगी, और इसकी बूस्टिंग्स और इसकी क्षमता, जो फैलने की क्षमता, वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और लोगों को ये जलते ही एज अ फील होगा कि हाँ यार, कुछ अच्छी चीज़ें जो है जल रही हैं। तो काफ़ी अच्छा ये फ्रैग्रेंस होने वाला है, आप बिल्कुल ट्राई ज़रूर कीजिए। और कुछ इस तरीके के इसके नोट्स आपको देखने को मिलेंगी, और एवरेज इसके डाइल्यूशन रेशियो की मैं बात करूँ तो एवरेज ये हमारा जो है 5-6 आराम से एक प्रीमियम क्वालिटी बनाने के लिए कवर करेगा। बाय द वे, आप इसे अपने तरीके से डाइल्यूशन डाइल्यूट करना चाहें तो कर सकते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार, 4-5 से ऊपर हम नहीं जाते। अच्छी बात है, 4-5 में भी अगर अच्छी क्वालिटी रखती है तो आप कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके से इसके जो है डाइल्यूशन रेशियो रहेंगे। इस परफ्यूम की किसी भी डिटेल्स के लिए आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, और इसकी पूरी डिटेल्स और बाकी भी परफ्यूम्स की डिटेल्स आप जान सकते हैं। मिलते हैं आने वाले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।